हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की भी शुरुआत हो रही है दोपहर के करीब 3 बजे, क्योंकि आज हम दिन भर से रूम पे ही पड़े हैं, तो कहीं आना जाना हुआ नहीं है, तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया हूँ, तो रूम पे ही ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। वैसे भी दिखाने लायक कुछ है नहीं रूम पे, बस मैं हूँ और ये सज्जन साइड में पड़ा है, और दूसरा कुछ नहीं दिखाने लायक। ऐसे ही घूमने फिरने की वीडियो बनाऊंगा आज रूम पे, क्योंकि आज ढोला भी कल निकल गया, ढोले ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास निकला नहीं। वैसे भी हम लेट गए थे, ऐसा जन बता रहा थोड़ा देख कर चला गया। आपको मैं थोड़ा बताता है, सजन बता रहा है ढोला कहाँ गया, ये ऐसे ऐसे हुए थे ढोले में। पर हम लेट गए थे, हम करीब रात के कितने बजे गए थे, 8 बजे, हमको 8:30 बज गए थे, 8 बजे से निकले से थे तो 8:30 बज गए थे पहुँचते। तो हमको उतना खास नहीं मिला देखने के लिए, पर जितना मिला उतना ही बहुत था, तो उतना अच्छा नहीं लगा हमको। वीडियो में भी उतना आपको नहीं दिखा होगा, आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा, तो क्योंकि उतना खास रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा पहले निकल गया, जाके उधर निकलती है पार्टी नाके से निकलते आती है ये चिडोला की जाके, तो फिर हमको कहाँ पे मिली थी, MG रोड पे जेटा चौक से अंदर इधर कारंजे और जेटा चौक के बीच में मिली थी, तो उतना खास नहीं मिला हमको, तो हम वहीं पे रिकॉर्ड कर पाए, तो लेट हो गए थे, इस वजह से हमको उतना अच्छा नहीं मिला देखने को, तो इस वजह से ब्लॉग में ऐसा रहा है। तो ठीक है, आज का ब्लॉग तो कंटिन्यू करते हैं, उसको तो जाए बाहर में जाए, अगले साल देखेंगे क्या होता क्या नहीं होता। वैसे बड़वानी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि DJ बंद करवा रखा है बड़वानी में। खरगोन में अच्छा ढोला निकला, इंदौर में आदिवासी दिवस 1 नंबर निकला, पर खरगोन का क्या बोलते हैं बड़वानी का जो कलेक्टर वो फालतू का है, 1 दिन का तो रहता वो तो कर देता, DJ बजने देते, नाचने वाले नाच लेते, बस इसे डिग्गे बजा के नाच रहे थे, वो तो इतना खास नहीं था, तो थोड़ा ख़राब ही लगा, पर अच्छा होना मतलब थोड़ा DJ बजना था तो अच्छा रहता। आदिवासी दिवस के दिन भी बंद करवा दिया और आज के दिन भी बंद करवा दिया है, तो थोड़ा गुस्सा आ रहा कलेक्टर के ऊपर, तेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है? हाँ तो बहुत गुस्सा आ रहा ना। और सर्जन को भी गुस्सा आ रहा हूँ, मेरे को भी गुस्सा आ रहा है, तो दूसरे लोगों का UPSC की एग्जाम पास करके आया है, तो कुछ मतलब कहीं अच्छा है करने के लिए उसने, अपन भी तैयारी करेंगे ना उसके जैसा, तो अब हम भी कलेक्टर बन जाएंगे UPSC की तैयारी करके, फिर ऐसे हम भी DJ बंद करवाएंगे जिलों जिलों में, क्योंकि हमको नाचने को मिलेगा नहीं, तो हम क्यों DJ चलने रहे, सही कि नहीं गाइस? तो गाइस मैं आटा लगा के अभी बाहर आया हूँ, हाथ भी मेरे गंदे ही आटे वाले हो रखे, बारिश आ रही थी तो इसलिए बाहर आया था मैं। ये देखो पूरे काले काले बादल हो रखे हैं, पर ये बादल चल रहे हैं देख लो, तो अच्छा यदि पानी गिरेगा। अभी थोड़ी देर पहले आया था, इधर भी वैसे ही बादल, अभी थोड़ी देर पहले बारिश आई थी हल्की फुल्की, तो हमने कपड़े अंदर रख लिए थे, पर अभी फिर से तैयार हो गया पानी, पानी आने का संभावना है गाइस। और ये बाणगंजा तरफ से बादल आ रहे हैं, ये उधर बाणगंजा किधर है, किधर है फिर बाणगंजा, इधर की साइड में है बाणगंजा, इधर कहाँ, ये सामने बाणगंजा तो ये दिख रहा है खंबा सा, और इधर सज्जन सब्जी काट रहा है, सब्जी क्या क्या है, सब्जी 2 आलू, इसको मिर्ची बोलते है, इसको टमाटर, ये क्या है प्याज, कांदा है वो, और एक और बाकी है, क्या बाकी है, लहसुन, लहसुन नहीं लाया, ये देखो प्याज, प्याज नहीं, ये क्या बोलते हैं आलू को कैसे छील, आलू है? आलू आलू है, इसको ऐसे करना पड़ता है, उसके बाद धो देना, तो ये अच्छा, क्या ये क्या हो रहा है, निकाल 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 इधर बहुत ज़्यादा पानी, देख सज्जन, देखो गाइस इधर बहुत बहुत ये काला काला हो रखा है, ये पानी ही पानी हो रखा है पूरा, और हमको ये टंकी धोना था, और बहुत बहुत सारा पानी है, क्या बस मार दा रहे, कुछ जल रहा उधर थैली वगैरह अपनी टंकी, और एक दिन हमको यहाँ चढ़ के देखना है एक बार ऊपर पर ये टूटेली है, टूटी तो नहीं है पर ये ख़राब हो रखी, देख लो कभी ऐसे चढ़े, मैं तो पतला हूँ मैं तो चढ़ जाऊँगा तो कहीं नहीं टूटेगी, पर सजन वजन चढ़ेगा तो मैं चढ़ूंगा भी नहीं ना, ये टूट जाए पर अच्छा है ऊपर सोने के लिए, गर्मी के टाइम इधर ऊपर सोएंगे हम, चारों तरफ ये दीवार भी बनाई है, गैलरी भी है उस साइड बोलते नहीं आ रहा, गैलरी भी उस साइड,
तो चलो मैं रोटी बना लेता हूँ, रूम में भी अंदर अंदर कर रखे हम। तो ये आटा लगा दिया है मैंने, अभी तो अब रखकन सेकना है। और बाहर का मौसम ऐसा कुछ है, पूरा बारिश वाला। अभी मैं रोटी बना लेता हूँ फटाफट। तो गाइस अभी आप सुन सकते हो कितना भयंकर वाला पानी आया है, आवाज़ सुनना। ये देखो पूरी छत गीली कर दी शालू में हमारी, कितना ज़ोर से आ रहा आवाज़ करते हुए। हम तो डर गए थे उधर बाहर से, हाथ धो रहा था हमें रोटी बना के, तो अचानक से आ गया बारिश। ये बादल कैसे चल रहे हैं और पानी, बारिश भी आ गया। एक तुम्हें पूरी नदी बहा दिया, निकल भी गए। सेहरा था गाइस, सेहरा आया था, सेहरा की क्या बोलते हो। चला भी गया, नहीं आ रहा वापस, आ रहा पीछे से। हम तो डर गए। क्यों सर्जन? सर्जन भी डर के इधर आके सब्जी बनाने लगे। चलो गाइस मैं सब्जी बना रहा, ये सब्जी बना रहा। तो गाइस खाना वाना खा के अभी हम आ रखे हैं घूमने के लिए, कारंजे पहुंच गए हैं और अभी रंजीत क्लब के ओर जा रहे हैं। भयंकर वाली बारिश हुई थी तो कीचड़ कीचड़ हो रखा है, पर अभी खुल रखा है, आसमान पूरा साफ है। तो घूमने के लिए निकल रखे हैं हमें रोड पे, तो थोड़ी देर घूमते हैं, रंजीत क्लब तक जाते हैं, फिर वापस रूम के तरफ जाएंगे। गाइस ये सर्जन आइसक्रीम खा रहा है, कौन खा रहा है ये, आधा खा लिया फिर बता रहा है।